अ वेरी फेमस यूट्यूबर अमित भड़ाना। जी हाँ, यू तो अपनी वीडियोस में, अपनी एक्टिंग से और अपने डायलॉग से सभी का दिल जीतते हैं अमित भड़ाना। लेकिन आपको बता दें, हाल ही में ही अमित भड़ाना को स्पॉट किया गया है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में। जी हाँ, जहाँ पर यूं तो अमित का स्वैग खूब देखने को मिला, लेकिन उसी के साथ एक और नई चीज़ देखने को मिली। जी हाँ, दरअसल आप सभी को बता दें कि अमित भड़ाना मीडिया को देख कर हो गए हॉपलेस। जी हाँ, ये हम नहीं बल्कि ये वीडियो कह रही है। जिस तरीके से अमित भड़ाना मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं उनके पसीने छूटते हुए नजर आए। चलिए आप सभी को दिखाते हैं किस तरीके से हुए अमित भड़ाना यहां पर होपलेस और क्या कुछ उन्होंने बोला मीडिया से। दादा साहब खान इतने सारे सामने होपलेस मत करो। दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में यही कहना चाहूँगा कि इनको फादर ऑफ सिनेमा बोला जाता है और आज इन्हीं के अवार्ड मिल रहा है इन्हीं से, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि आपको पता ही है, इनको तो बोला ही जाता है कि सिनेमा जो है इन्हीं का राजा हरिश्चंद्र, इनकी पहली होती फिल्म। तो बस इतना ही बोला। थैंक यू। नेक्स्ट नाइन लाइव से हिमांशी की रिपोर्ट।